आईबी की एक एनआईए की ऑफिशियल रिपोर्ट है, हालांकि वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट है लेकिन वो इंटरनेट पे मौजूद है। 105 पेज की रिपोर्ट है, उसमें कहीं इशरत का कोई नाम नहीं है। हेडली इनके हिसाब से 2005 में ये कहते हैं कि मुजम्मिल मुझे मिला 2005 में और उसने बताया कि किसी और ने उसके थ्रू मुजम्मिल से इंट्रोड्यूस किया और उसने बताया कि इशरत जहां इन्वॉल्व थी। लेकिन दूसरी रिपोर्ट में तो वो कहते हैं कि मुजम्मिल 2002 में मिला, तो हम कौन सी चीज को सही माने? और ये जब सारा केस सीबीआई जब दायर कर चुकी उसके बाद ये कहानियां क्यों आ रही हैं, पहले क्यों नहीं आ रही थी? बिल्कुल वैसी बात है कि जिस वक्त आप अगर बात करें कि भाई यहाँ पे चाइल्ड अब्यूज बहुत हो रहा है तो वीएचपी कह के आती है कि भाई उधर से पंडित क्यों भाग रहे हैं? आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, उससे कोई कनेक्शन ही नहीं होता। उनको सिर्फ लगातार संघ परिवार को डिसरप्ट करना है। वो ये जानते हैं कि अब कानून सच्चाई तक पहुंच चुका है और अब उनका एक एक दिन उन पे भारी पड़ता है।